हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सन्यासी जी के। जय माता की दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरा नवरात्रि व्रत माँ चंद्रघंटा पूजा विधि, सुमरत, मंत्र, भोग, रंग और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महाउपाय के बारे में। दोस्तों, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। शारदीय नवरात्रि 2023 में किसी भी तिथि का श्रेय न होने के कारण तीसरा नवरात्रि व्रत 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और रंग के बारे में। और साथ में आइए जान लेते हैं देवी चंद्रघंटा के पूजा का शुभारंभ और फूल के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह रूप बेहद ही सुंदर और अलौकिक है। चंद्र के समान माँ के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और माँ चंद्रघंटा का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। दोस्तों, माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माता के इस रूप को भूरा या पीला रंग बेहद प्रिय है। माँ के प्रिय फूल कमल और शंख पुष्पी है। वही आज के दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरा दिन के बारे में। दोस्तों, तीसरा नवरात्रि व्रत 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और तृतीया तिथि शुरू होगी 17 अक्टूबर की सुबह 1:13 पर। वही तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर की सुबह 1:26 पर। एंड अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। और दोस्तों, अमृतकाल मुहूर्त होगा सुबह 11:22 से 1:02 तक। तथा ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। तो आइए अब जान लेते हैं तीसरा नवरात्रि सुयोग के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग बनेगा, जो सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। दोस्तों, प्रतियोग प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर की सुबह 10:03 से 17 अक्टूबर की सुबह 9:21 तक। आयुष्मान योग प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर की सुबह 9:21 से 18 अक्टूबर की सुबह 8:18 तक। चलिए अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातकाल स्नान कर व्रत का संकल्प करें और माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए साधक को भूरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए। पूजा में माँ को धूप, दीप, तिलक और सुहाग का सामान लाल चुनरी समर्पित करते हुए शंख पुष्पी का फूल अर्पण करना चाहिए और उन्हें केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा में देवी चंद्रघंटा के मंत्र यह है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप कर आरती करें। आइए जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। तो दोस्तों, देवी चंद्रघंटा की पूजा से साहस में वृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन 5 पीली कौड़ियां माँ को अर्पित करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार मंगल दोष से पीड़ित जातक को इस दिन माँ की पूजा में लाल पुष्प, तांबे का सिक्का और गाय के दूध से बने भोग अर्पण करके मंगल के मूल मंत्र ओम अंगारकाय नम का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद माँ को अर्पित किए सिक्के को अपने पास रख लें, इससे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। जय माता जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जाते जाते प्रेम से बोलो जय माता दी।